फ्रेंड्स वेलकम टू क्विज फॉर स्कूल पिलामाने आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा ग्लोमेरुलस रो कार्य आ ब्रुकक रो अन्य किछ गुडीए कार्य विषय रे ताले पिलामाने ग्लोमेरुलस कथा केवल आम ब्रुकक रे किछ जानिथिले अल्प किछ कहिथिले काहेना ब्रुकक रे से गुडे छणा टाइप रो सेथरे कोन होए ना ब्लड रो जोरा का हमर परिसर रे भातुआ एमिनो अम्ल हो कि यूरिया हो कि यूरिक एसिड हो कि पोटासियम हो क्लोराइड फॉर एक्स वाई जेड सब कोन होए ना सेथरे छाणी ही रही जाए जहाँफल सी आम कौन छाणी ही ब्रुक नलिका दे पास कर जाए भितर को प्रवेश कर एफरेन्ट बाटे बाहर एफरेन्ट बाटे तेनाली आज विषय आउट ब्रीफली जाना कारण जिते सब क्वेश्चन तापर पड़ो सब गुड़े क्वेश्चन मो पाने आराम से करके आसवे तो प्रथम कौन करा ना ग्रुमर लस कार्य विषय जाना तुम आगे पिला देख ये फ्रन चित्र करें ग्लोमर लस प्रेजेन्ट रही ग्लोमर लस कप गिना आकृतिता जो अच्छे प्रिवियस भिडियो कही सी हूँ कौन तुम बायोमेन्स कैप्सूल ओके ताले एथरे आमर एटा हला ब्रुकक धमनी एथरे रक्त एंट्री करियो जो बाटे एंट्री करे ताकु मु एफरेंट उपधमनी कहिथली आ जो बाटे बाहर है ताकु मु कहिथली एफरेंट उपधमनी ओके से विषय जे डिस्कशन करबा प्रथम कथा हला कोन ना ग्लोमेरुलस रो कार्य ताले ग्लोमेरुलस रो कार्य कोन ना ग्लोमेरुलस होची गोटे रक्त छणा तंत्र एथरे आमर कोन ना रक्त छानी हेरा रक्त छानी ना रक्त रे थिबा अदरकारी पदार्थ एई पॉइंट ताकु मन कर रक्त कोन छानी दु रक्त छानी त रक्त पळे जइबो परिसर त आमर रक्त हारिबो तो रक्त भितर कौन ना अदरकारी पदार्थ आउ कौन ना रक्त कणिका और प्रोटीन रक्त कणिका और प्रोटीन पिला माने कौन ना जितेबाला ब्लड क्यारी करुच्ची कौ बाटे एफरेन्ट बाटे जो आम सहित कौन यूरिया यूरिक एसीड हो कि आम एमोनिया हो सहित कौन भी क्यारी कर रक्त कणिका और प्रोटीन रक्त कणिका प्रोटीन पिला माने कौन करे ना तार जेहेतु टिके आकार बड़ से सी कौन करे ना ग्लोमेरुलस भितर छानी हो पारे ना ये तार कौन करे एफरेन्ट बाटे एंट्री करे ग्लोमेरुलस भितर पशि पुणी एफरेन्ट बाटे बाहर जाए कारण ताकू ग्लोमेरुलस छाणी पारे ना ओके जल ग्लुकोज एमिनो एसिड यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम पोटासीयम क्लोराइड ये हूँ सब जाक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मन रखिबो कारण एगुला सब सहित रक्त कणिका प्रोटीन ये सब गुड़िक कौन ना एफरेन्ट उपधमनी क्यारी करे ग्लोमेरुलस पहुँचला बेले ये जो मुझे जल ग्लुकोज एमिनो एसिड यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन सोडियम पोटासीयम क्लोराइड ये कौन हो जाए ना ग्लोमेरुलस को छाणी दिए छाणी कौटी पठे दिए ब्रुकयिक नलिका देख रेड कलर ब्रुकयिक नलिका करके ओके ये जो रेड कलर जो नलिका है ब्रुकयिक नलिका ये कौन अदरकार जिन गुड़ाक ग्लोमेरुलस छाणी दिए कितु ता भितर दुटा इम्पोर्टां दरकारी पदार्थ अच्छे कौन ना ग्लुकोज एमिनो एसिड अच्छे कि ग्लुकोज एमिनो एसिड जेहेतु आम बॉडी दरकार किंतु सेगुड़ी कौन छोट छोट हो सी आम ग्लोमेरुलस कौन है छाणी होकर ब्रुकयिक नलिका को एंट्री कर जाए कि जिन दरकार आम शरीर पर ग्लुकोज एमिनो एसिड दरकार तापर कौन जिते सी ग्लोमेरुलस छाणी ब्रुकयिक नलिका को पठाए से ब्रुकयिक नलिका सहित कैशिक रक्त नलिका सब गुड़िया कौन होती कनेक्शन होता सी कौन करती ना ब्रुकयिक नलिकार ग्लुकोज एमिनो एसिड को शोषण करनी शोषण कर नहीं कौटी पकड़ दिखती ब्रुकयिक शिरा को कारण से सब छोट 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 कैशिक रक्त नल रही सेगुड़ काम होगा से केवल ग्लुकोज एमिनो एसिड जोड़ाक ग्लोमेरुलस छाणी ब्रुकयिक नलिका को पठाऊँच से शोषित कर ग्लुकयिक शिरा यहाँ हूँ तुम ब्रुकयिक शिरा ए बाटे पठा दिखे शरीर मध्य पुणी पड़े आसे कोशवा को पुणी पड़े आसे ओके तापर कौन ना यूरेक्रम यूरोक्रम ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना आमर साधारणत सूक्ष्म तो व्यक्तिर जो लोकटी सुस्थ तार परिसरार रंग साधारण ईस हलदिया होता है तार मेन कारण हूँ ना परिसरार यूरोक्रम वर्णकणा थूरोक्रम वर्णकणा थी आमर सुस्थ लोकर परिसरा साधारण ईस हलदिया होता है तेल सुस्थ लोकर परिसरा कहीं ईसद हलदिया होता है प्रश्न कले ना वर्णकणा ना मन रखे जे यूरोक्रम क्लीयर तापर कौन ना ग्लुकोज प्रोटीन रक्त कणिकार न थाए तार एक कौन कहला ना ग्लुकोज आ प्रोटीन जिते बड़े आमर ब्रुकयिक शिरा को प्रवेश कै ब्रुकयिक नलिका प्रवेश कै से कौन करे ना कैशिक रक्त नली ताकू नहीं जाए ता माने परिसरा रे आउ ग्लुकोज आ प्रोटीन आसती ना सी ग्लोमेरुलस छाणी होती आसती कि परिसरा पर्यंत आसी पारती ना कारण बाटर ताकू किए कैशिक नली गुड़िक शोषित कर जदि जदि परिसरा रे ए दुटा प्रेजेन्ट रहा देख लीटा तुम प्रेजेन्ट रोच ग्लुकोज और प्रोटीन ताले तुम जानवो जे शरीर सुस्थ ना शरीर कौन अच्छे असुस्थ हो तेणु ये जिनस दुटा परिसरा के आसबन जदि शरीर खराब होसुस्थ हो जिनस तुम परिसरा पड़ो ये ग्लोमेरुलस कार्य देख
ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଭୃକଜ୍ଞ ଧମନୀ, ଏଫରେଣ୍ଟ ବାଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଗଲା, ଇଫରେଣ୍ଟ ବାଟେ ବାହାରିଗଲା, ତୁମର କ'ଣ ରକ୍ତ କଣିକା ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫରେଣ୍ଟ ବାଟେ ବାହାରିଗଲା, ଛାଣି ହେଇଗଲା କିଏ ନା ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ, ଏସବୁ ଛାଣି ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏମିନୋ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ କଲେ ନା ତା ସହିତ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କୈଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି, ସିଏ ସେଠୁ ତାକୁ ଶୋଷିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସିରା ବାଟେ ପୁଣି ଶରୀରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଇଏ ସେଠୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଏସବୁ ଆସିକି କହିଲେ ନା ଏପଟେ ସଂଗ୍ରାହୀ ନଳୀ ବାଟେ ବାହାରିଲେ, ପଦାକୁ ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ବାହାରିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଗ୍ଲୋମେର ଲସ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲୋମେର ଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ଲୋମେର ଲସ୍ର ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଗ୍ଲୋମେର ଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ବନା ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ବ୍ରିଫ୍ଲି କ୍ଲିଅର ତୁମେ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ କରିବା ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୃକକ କେବଳ କ'ଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ନିଷ୍କାସିତ କରୁଥିଲା, କ'ଣ ଆମର ୟୁରିଆ ହେଉ କି ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ହେଉ କି ୟୁରିକ ଏସିଡ଼, ତା ବାଦ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ ପରେ, ରେଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ ବୃକକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କାମ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ସବୁଯାକ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କାମ, ଆଉ ସବୁଯାକ ମଧ୍ୟ ମାଛ ମାରିକେ ସବୁ ଇଏ ଯେମିତି ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ସେମିତି ଲେଖିବ। ସଟ୍ ଟାଇପ୍ ପଡ଼ିଲେ ସଟ୍ ଟାଇପ୍ ଆକାରରେ ଲେଖିବ, ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ଆକାରରେ ଲେଖିବ, ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ପଢ଼ୁ। କ'ଣ ବୃକ ଗ୍ରହଣ ଯେ ନା ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶରୀରରେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ରହୁଛି ଆଉ ଧାତବ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା'ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରିୟର ମାତ୍ରା, ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଏସିଡ୍ ଆଉ ବେସ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, କାରଣ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟିଏ ହେଭି ଡିଜିଜ୍। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏରିଥ୍ରୋପାଏଟିନ୍ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ ଭାର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରୁଛି, କାରଣ ଏରିଥ୍ରୋପାଏଟିନ୍ ହରମୋନ୍ କହୁଥିଲେ ନା ତୁମର ଡବ୍ଲୁବିସି ଆର୍ବିସି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଏଇ ହରମୋନ୍ଟା ତାକୁ ସେଠୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖୁଛି କିଏ ବୃକକ। ତାପରେ ପରିଶ୍ରମଣ, ପୁନଃଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଆଉ ନିଷ୍କାସନ ଏ ଚାରିଟାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ରଖୁଛି କିଏ, ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖୁଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ବୃକକ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜଳ, ଧାତବ ଲବଣ, ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର, ରକ୍ତଚାପ, ଏରିଥ୍ରୋପାଏଟିନ୍ ହରମୋନ୍, ପରିଶ୍ରମଣ, ପୁନଃଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଆଉ ନିଷ୍କାସନ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗ୍ଲୋମେର ଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଆର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯା, ତାପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ତା ସହିତ ଏନି ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।